वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट एलन फैमिली हियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द एसपीएस दैट इज अ सक्सेस पावर सेशन हियर। हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द ईयर 2014। अगर आप 2014 को ध्यान से देखें सो व्हाट हैपन्स, दे आर द टू फोटोज। आप में से कुछ लोग इनको जानते होंगे, कुछ लोग इनको नहीं जानते होंगे। इसलिए हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फोटोज हियर, दिस पिक्चर्स, कितने लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं? इसलिए अच्छी तरह हाथ खड़ा करिए। इज आइदर 0% और 100%, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। फाइन, अगर हम देखें दया चित्रांग मूडिया एंड तेजस्विन। और अगर मैं आपसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं, अगर हम आ गए हैं 2016 तो अगेन देर आर द टू सिमिलर काइंड ऑफ फोटोज, वेरी फेमस फोटोज हियर, वेरी फेमस पर्सनलिटीज। इसको तो शायद ज़्यादा लोग जानते होंगे, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज बढ़ गया है ना, क्योंकि दो साल पहले और दो साल में फर्क पड़ जाता है, इसलिए ना। इसलिए अमन बंसल एंड द हैथ शाह। अगर हम बात करें व्हाट इज कॉमन इन दिस टू स्टूडेंट्स, इन सब में क्या कॉमन है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस टू स्टूडेंट्स? दे आर टॉपर्स, दे आर टैलेंटेड स्टूडेंट्स लाइक यू पीपल। आप सब भी टैलेंटेड हैं, इसलिए टैलेंट एक्स को पास करके यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए चलिए और भी कॉमन बातें इनके बारे में हम करते हैं आगे। इसलिए अगर आप कॉमन बात करें तो चित्रांग AR1 इन IIT 2014, तेजस्विन AR1 इन IIPM 2014, देन द अमन बंसल AR1 इन JEE 2016 एंड हेथ इज अगेन AR1 इन NIT USA 2016 और IIPM 2016 हियर। सबसे पहला कॉमन आप बोलें बात करें यहाँ पर तो दे आर ऑल एलन स्टूडेंट्स। ये सब क्या होता है? एलन के स्टूडेंट्स है। दैट इज द फर्स्ट कॉमन पॉइंट विच कैन कम इन योर माइंड अदर देन द रैंक। रैंक तो सबसे पहली चीज़ है जो उनकी पहचान है, इसलिए उसके बाद दे आर द एलन स्टूडेंट्स। आप ये भी बोल सकते हैं सर दे आर ऑल टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, दे वर ऑल वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हियर। मैं इन सबकी बात क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बताऊँगा आगे। इसलिए ना हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम और भी सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं। हम केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम आना चाह रहे हैं फिलोसोफी बिहाइंड द सक्सेस। व्हाट इज द सक्सेस के पीछे फिलोसोफी क्या होती है? ये वाला ये भी बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, कितने लोग जानते हैं इसको? हाउ मेनी ऑफ यू नो वेरी मच? हु इज शी? पीवी सिंधु, राइट। एंड व्हाट आर हर अचीवमेंट्स? लेटेस्ट बात करें 2016 का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स। फाइन, गोल्ड इन चाइना ओपन। इसके पहले भी बात करें तो अगर आप देखें तो शी वॉन द ब्रॉन्ज इन द कॉमनवेल्थ, और उसके पहले यूथ जब थी वो तो यूथ कॉमनवेल्थ में भी शी वॉन ए गोल्ड मेडल हियर। पीवी संधु दैट इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स हियर, बट शी इज ऑल्सो ए सक्सेस स्टोरी हियर। तो हम आना चाह रहे हैं कि सक्सेस के पीछे राज क्या है, कि पढ़ाई के सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ओवरऑल सक्सेस के पीछे राज क्या है, हम वो समझना चाह रहे हैं उसकी फिलोसफी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल डिजिटल इंडिया बहुत चल रहा है। हमारा जो नेशन है, जो PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत फोकस है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया ऑल दिस ईयर। तो उसमें आज की तारीख में बहुत कॉमन नाम आ रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फोटो हियर? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फोटो? Paytm के ओनर हैं विजय शेखर शर्मा। दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर आप कभी पढ़ें डिटेल में जाके तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी हियर, पीवी विजय शेखर शर्मा। हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस सक्सेस स्टोरीज। कुछ एजुकेशन से हैं, कुछ डिजिटल इंडिया से हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से हैं, बिजनेस से हैं, कुछ सक्सेस, कुछ आपकी स्पोर्ट्स से हैं, पर इन सबके पीछे कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस? पहले तो आपने बताया एलन के स्टूडेंट है, टैलेंटेड हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, सब हैं, बट इन सब में कॉमन क्या है? जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, इसलिए व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस टूज? अगर इन सब में सबसे कॉमन बात की जाए कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस सक्सेस स्टोरीज, तो बात को समझिएगा ध्यान से, दे ऑल लव देयर जॉब। ये सब जो कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, दे लव देयर जॉब हियर, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड लेट्स से इन स्पोर्ट्स और इन द एंटरप्रेन्योरशिप और द एजुकेशन हियर। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं हाउ एक्सटेंड दे लव देयर जॉब। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, एलन पर कोटा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी का सेटअप हुआ, वो लाइब्रेरी का सेटअप अगर आप जान के आपको आश्चर्य होगा, वो किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द चित्रांग मूडिया। चित्रांग की बर्थडे थी तो उसने एक पार्टी रखी, उसके पेरेंट्स अगर यहाँ पर आए और उसने सबको बुलाया यहाँ पर, जितने भी टीचर्स और जितने भी मैनेजमेंट के, उन्होंने सबको इनवाइट करा। और जब सर लोग गए, हम लोग गए, तो उससे पूछा गिफ्ट क्या चाहिए, तो उसने बोला सर मुझे कोई अच्छी सी बुक आप गिफ्ट कर दीजिए। इसलिए दैट इज अ फैक्ट, ही सेड सर गिफ्ट मी अ सम गुड बुक। तो सर जनरली सब लोग ये बोलते हैं, बोला यार ठीक है पढ़ाई करते हो पर कुछ और भी करा करो, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो उसने बोला सर मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है बस, आई एन्जॉय ओनली स्टडीज हियर, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है। इसलिए तो व्हाट आई मीन टू से कि दे लव्ड देयर जॉब, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल दैट हियर, दैट इज वाई दे आर ऑल सक्सेस पीपल हियर। तो सबसे पहली बात तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, आपको उसको अंदर से, आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। इसलिए और भी हम आगे बात करें, व्हाट डज इट टेक्स टू क्रिएट सच सक्सेस स्टोरीज? एक तो मैंने कहा आपका इंटरेस्ट, यू शुड लव योर जॉब, और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इन सक्सेस स्टोरीज के पीछे छुपी हुई है? व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स बिहाइंड दैट हियर? अगर हम आगे बात करें
तो अगर आप देखें दिस इज ए ट्रायड, तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो टैलेंट, टैलेंट तो आप में होना ही चाहिए, विदाउट टैलेंट और विदाउट रॉ मटेरियल वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग हियर। और आप सब में टैलेंट है तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए यू पीपल हैव गॉट अ टैलेंट हियर। तो टैलेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड हियर। सेकंड हम बात करें सेल्फ बिलीफ, और एक हम बात करें सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी होता है पर एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई आपको बार बार बाहर से पुश नहीं करेगा। जो रियल टॉपर्स होते हैं, जो रियल सक्सेस स्टोरीज होती हैं, दे आर ऑल सेल्फ मोटिवेटेड, वो हमेशा अपने काम के पीछे लगे रहते हैं, चाहे वो कभी सक्सेस हो कभी अनसक्सेसफुल हो, इसलिए बट दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। और सबसे मेन बात क्या है, सेल्फ बिलीफ, दैट इज अ वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई भी आप पे कैसे विश्वास करेगा, इसलिए तो आपका सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ सेल्फ बिलीफ का। अगर आप ये दो फोटोज देखें यहाँ पर, बहुत सिंपल से फोटोज हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कितना नाम सुना है प्लेसिबो इफेक्ट का, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट द वर्ड प्लेसिबो इफेक्ट, दैट इज एग्जांपल ऑफ दैट। एक हाथी का छोटा बच्चा है और एक हाथी है, इसलिए दोनों को आपने रस्सी से बांध रखा है। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा क्यों है, क्या बड़ा हाथी को, बड़े हाथी को कभी आप रस्सी से बांध के रख सकते हैं, इसलिए इज इट पॉसिबल? उसको तो एक मिनट लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, वो रस्सी को तोड़ के आगे निकल जाएगा इसलिए, मगर फिर भी उस रस्सी को वो नहीं तोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है, या वो तोड़ना नहीं चाहता है, या वो तोड़ नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है इसमें? इसलिए जब बचपन में उसको, जब छोटा था वो, जब उसको रस्सी से बांध के रखा गया तो उसने तोड़ने की बहुत कोशिश करी उस रस्सी को, मगर जब वो छोटा था तो उससे वो रस्सी नहीं टूटी, आप समझेगा बात को, वो रस्सी को नहीं तोड़ पाया, तो उसके मन में एक बिलीफ सा बैठ गया कि यार मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, उसके मन में वो बिलीफ बैठता चला गया कि मैं उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा हूं, तो बड़ा होने के बाद जब वो बहुत आराम से उस रस्सी को बहुत आराम से तोड़ सकता है, एक रस्सी नहीं वो तो लोहे की चेन को तोड़ सकता है इसलिए, मगर फिर भी वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना सेल्फ बिलीफ क्या हो गया है, खत्म हो गया इसलिए। तो बहुत सिंपल सा बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपका जो अपना सेल्फ बिलीफ है वो बहुत जरूरी है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां भी आपके एग्जाम्स अगर हैं, कभी अप्स रहेंगे कभी डाउन रहेंगे, मगर आपका सेल्फ बिलीफ कभी भी शैटर्ड नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट, एक बार आपको जो मन में बैठ गया वो हमेशा आपको वैसे ही दिखेगा इसलिए। और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देता है, दवाई लेने के बाद ठीक होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी, रिसर्च बताती है कि दवाई के अलावा एक कारण और है कि आपके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि यार मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे देखा, उसने मुझे दवाई दी, यानी कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम वेल वेरी सून, मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाला हूँ। एंड दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हियर, सेल्फ बिलीफ, यानी कि द प्लेसिबो इफेक्ट हियर। आपके मन में वो सोच आ गई कि मैं ठीक होने वाला हूँ, तो आप ठीक होना चालू हो जाएंगे इसलिए। तो दैट इज अ पावर ऑफ व्हाट हियर, सेल्फ बिलीफ हियर, सेल्फ मोटिवेशन हियर। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, टैलेंट मैंने आपसे कहा वो बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसलिए हम आगे बढ़े, तो जो हमने तीन नाम लिए, टैलेंट, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ मोटिवेशन, बट क्या तीनों ही, इन तीनों के होने के बावजूद भी क्या कैन यू एंश्योर योर सक्सेस? ये तीनों अगर आप में है, टैलेंट भी है, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी है, आपका अपना बिलीफ भी है, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या इन तीनों के बेस पर आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं? तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। व्हाट हैपन्स, ओनली दिस पिलर्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस? नो, दे आर नॉट, दे आर एसेंशियल पिलर्स बट नॉट ओनली दिस पिलर्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। एक बहुत बड़ी चीज़ और यहाँ पर मिसिंग है, जहाँ पर सक्सेस, जैसे आपको सक्सेस की गारंटी मिलती है, इसलिए वो चीज़ क्या, हम उस पर भी आते हैं, बट उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। डू वी नो अबाउट दिस मैन, इस आदमी को कोई जानता है? दशरथ मांझी, अभी एक मूवी आई थी आपने देखा होगा, तो उससे आप इसको जानते हो, दशरथ मांझी, ही डाइड इन 2007 में ही मर गया था इसलिए, उसके बाद इस पर मूवी बनी। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या, दशरथ मांझी, व्हाट इज द मिसिंग लिंक इन दिस फोटो हियर? इसने क्या करा, अगर मैं आपको आइडिया दूं, ही उसने पूरा एक पहाड़ खोद कर, पूरा दो गांव के बीच का रास्ता उसने क्या करा, छोटा करा, 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को उसने अपने बल बूते पर, 22 साल उसको लगे, इट टुक हिम 22 इयर्स, उसने उस पहाड़ को खोद कर 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को उतना कितना कर दिया, उसने 15 किलोमीटर में रिड्यूस कर दिया इसलिए। बट ही डिड इट अलोन, वो अकेला करता चला गया। अकेला क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको अपने पर विश्वास था, वो सेल्फ मोटिवेटेड था, उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो 22 साल तक लगातार करता रहा। और टैलेंट एक तरह का टैलेंट ही है, वो हर चीज़ में कोई ना कोई टैलेंट रिक्वायर्ड होता है इसलिए। तो ही वॉज सेल्फ मोटिवेटेड, ही वॉज हैविंग अ सेल्फ बिलीफ कि मैं कर पाऊंगा इसलिए, और टैलेंट था तो उसने पहाड़ को खोद तो दिया, मगर क्या इसको आप रियल वर्ड्स में सक्सेस कहेंगे? विल यू कॉल इट एज सक्सेस? बिकॉज इट टुक हिम 22 ईयर्स। एक बहुत कॉमन सी फ्रेज है, सक्सेस डिलेड इज नॉट अ ट्रू सक्सेस। जिसको हम सक्सेस समझते हैं, अगर वो सक्सेस भी डिलेड है तो उसको भी हम ट्रू सक्सेस नहीं मानते, क्योंकि आज का जमाना तो बहुत फॉरवर्ड है, बहुत फास्ट है। उसको आप ऐसे समझिए, आप 12th के साथ कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसको करने में आपको उसके बाद एक दो साल लग गए, तो दैट इज नॉट वी कॉल एज अ ट्रू सक्सेस हियर। तो दशरथ मांझी नो डाउट इज अ सक्सेसफुल मैन, ही इज अ इंस्पायरिंग मैन, उसमें सेल्फ बिलीफ था, मोटिवेशन था, टैलेंट था, मगर ही गॉट अ सक्सेस इन 22 ईयर्स।
वाई, वॉट वॉज मिसिंग, तीनों होने के बाद उसमें क्या मिसिंग था, इसलिए उसमें ऐसा क्या पार्ट था जो कि मिसिंग था। अगर आप वो चीज़ देखें यहाँ पर, तो इन तीनों के अलावा जो चीज़ मिसिंग थी वो मिसिंग यहाँ पर थी। अगर हम बात करें तो रोल ऑफ ए मेंटर, व्हेन आई से रोल ऑफ अ मेंटर और अ प्लेटफॉर्म और ए टीम और एज अ गाइड, जो भी आप कहें, द रोल ऑफ मेंटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड ओवर हियर। आप में सेल्फ बिलीफ है, आप में टैलेंट है, आप में मोटिवेशन है, मगर मेंटर का रोल भी अपने आप में बहुत जरूरी है। इसलिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे आप एजुकेशन में लें तो वहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवी सिंधु का नाम लें तो वहाँ पर उसका जो मेंटर था, उसका जो कोच था गोपीचंद, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ रहा वापस की ट्रेनिंग में। इसलिए अभी बहुत रिसेंटली हम चंडीगढ़ सेंटर में थे, तो वहाँ पर चंडीगढ़ में पंचकुला सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ, तो वी वर लक्की टू हैव ए मीटिंग विद द मिल्खा सिंह जी। हम मिल्खा सिंह जी से मिले तो उन्होंने अपने स्पीच में बहुत अच्छी बात कही कि बोले मैं आज अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हूँ वो बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी की वजह से हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी। और ऐसा क्यों, क्योंकि आर्मी में जाके जो मुझे कोचिंग मिली, जो मुझे ट्रेनिंग मिली, जो मुझे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट मिला, उससे मैं इतनी मेहनत कर पाया और मैं नेशनल और इंटरनेशनल पर जा पाया। तो द कोच ऑफ मेंटर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो गोपीचंद जी की बात करें तो उन्होंने पीवी सिंधु को वहाँ पे मेंटरशिप करी। अगर आप बात करें, आप कह सकते हैं सर विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम का, उसका मेंटर कौन था? तो हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ सक्सेस लाइफ होती है, उसका मेंटर अगर आप डिटेल पढ़ें तो उसका मेंटर था सबीर भाटिया। आप नाम सुना सबीर भाटिया का? हुई सबीर भाटिया हॉटमेल, फाउंडर ऑफ द हॉटमेल, सबसे पहले जो मेल सर्विसेज चालू करी याहू मेल हॉटमेल में, तो सबीर भाटिया इज अ वेरी कॉमन मैन। तो ही वॉज अ मेंटर ऑफ द दिस पेटीएम को फाउंडर हियर विजय शेखर शर्मा। तो व्हाट आई मीन टू से, द रोल ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में टैलेंट रहेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आपका सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, मगर उन सब के बाद भी मेंटरशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैं आपको मेंटरशिप का और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। हम किसी भी एक्टर या हम किसी भी एक्ट्रेस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एनी एक्टर और एनी एक्ट्रेस हियर। जैसे अमिताभ बच्चन, ही इज अ एक्टर ऑफ द मिलेनियम, ऐसा लोग बोलते हैं इसलिए। बट क्या अमिताभ बच्चन की सारी मूवीज, जितनी भी मूवीज आज तक रिलीज हुई है, क्या सारी मूवीज उसकी सुपर डुपर हिट हुई हैं क्या? इसलिए इज ऑल द मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन इज सुपर डुपर हिट? अरे यस ओ नो? व्हाई? अमिताभ बच्चन तो वही था, उसका टैलेंट तो वही था, ही इज वेरी मोटिवेटेड, ही हैज गॉट ए बिलीफ इन हिमसेल्फ। किसी भी मूवी को स्टार्ट करने से पहले वो अपना बिलीफ क्यों खोएगा? इसलिए ही वॉज हाईली मोटिवेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है। मगर वहाँ पर रोल किसका था? वहाँ पर रोल आता है डायरेक्टर का, एडिटर का, स्टोरी राइटर का, यानी कि मेंटरशिप। जो टीम साथ काम कर रही है वो मेंटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एज ए इंडिविजुअल आप में टैलेंट है, आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आपका सेल्फ बिलीफ हमेशा रहना चाहिए, आपका मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए, मगर रोल ऑफ मेंटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि वो मेंटरशिप है वो आपको एक प्रॉपर पाथ पर प्रॉपर तरीके से गाइड करती है। अगर वो गाइडेंस और प्रॉपर पाथ नहीं मिलता है तो हो सकता है हम सक्सेसफुल तो हो जाएं, मगर अगेन एक वर्ड था, द डिलेड सक्सेस इज नॉट ए ट्रू सक्सेस हियर। उसमें टाइम लगेगा तो वो भी आपकी ट्रू सक्सेस नहीं कहलाएगी। तो व्हाट आई मीन टू से, द रोल ऑफ मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। और हमारे सबसे पहले मेंटर कौन है? हमारे पेरेंट्स, जिनके साथ आज आप बैठे हुए हैं। आपका जो बचपन की जो शुरुआत हुई वो आपके पेरेंट्स हुई, आपकी चाहे संस्कार हो, आपके डेकोरम्स हो, आपके एटिकेट्स हो, ये सब आदमी कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। तो हम सबसे पहले सारे पेरेंट्स को हम सैल्यूट करते हैं, हम उनको हैट्स ऑफ करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बच्चों की मेंटरिंग करी है, उनको यहाँ तक लेकर आए। इसलिए सो पेरेंट्स से बड़ा कोई मेंटर नहीं होता, तो पेरेंट्स आर द बिगेस्ट मेंटर, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू द पेरेंट्स ऑल्सो यार, हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़े मेंटर वही हैं जो कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए उसके बाद की जो मेंटरशिप है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप किस फील्ड को चूज कर रहे हैं, वहां पर कौन सा कोच है, कौन सा गाइड है, कौन सा ट्रेनर है, वो सब भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो व्हाट आई समराइज हियर कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, ये सब तो आपके पास होना ही चाहिए, मगर इन सब के बाद भी मेंटरशिप का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एक या दो एग्जांपल देकर बताया। इसलिए अब इस मेंटरशिप में आगे एलन क्या करता है या हम लोग कैसे काम करते हैं, तो आगे हमारे जो मेरे जो साथी हैं आशीष अरोड़ा सर और तुषार सर, वो उसको और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इन अ रोल ऑफ मेंटरशिप हम लोग फिट करते हैं या हम कैसे उस पे काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके,